हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का टॉपिक देखेंगे। सामान्य विज्ञान वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जीके का क्वेश्चन बनता है और जीके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान में एक बेसिक जानकारी देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जानेंगे कि विज्ञान को दो भागों में बांटा है, एक तो जंतु विज्ञान, दूसरा पादप या वनस्पति विज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, पादप और वनस्पति ये दोनों एक ही विज्ञान होते हैं। जंतु विज्ञान के जनक आप देखेंगे तो अरस्तु है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा दो भागों में। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वही आप देखेंगे पादप या वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेटस है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा थियोफ्रेटस को। अब दोस्तों, इस विज्ञान में थोड़ा हम कोशिका के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका दोस्तों मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन में, चार ऑप्शन होते हैं, आपको चूज करने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका दोस्तों मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका का अगर आप निर्माण कार्य देखेंगे तो ये कोशिका बनती कैसी है? तो दोस्तों, कोशिका से मिलता है उत्तक। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका में जब उत्तक मिल जाता है तो ये अंग बनता है। तो अंग से दोस्तों अंग तंत्र बनता है, फिर उसके बाद ये पूरा मानव शरीर बन जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका, उसके बाद दोस्तों उत्तक, फिर अंग, अंग से अंग तंत्र, उसके बाद पूरा मानव शरीर बन जाता है। ये भी क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है कि कोशिका का कार्य जो होता है वो कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ये पूरा हमारा शरीर बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कोशिका की खोज। आप सभी जानते होंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये सन को भी याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप सिंपल सिंपल आंसर दे देंगे, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, यानी जो मरी हुई कोशिका है, डेड सेल है, उसकी खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने ही। इसमें मृतिका की खोज दोस्तों मृत कोशिका यानी कि डेड सेल के रूप में खोजा गया है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की तो खोज की थी, लेकिन कैसी कोशिका की खोज की थी? तो ध्यान रखिएगा, मृत यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जीवित कोशिका की खोज दोस्तों लुवेन हॉक ने किया था, और लुवेन हॉक को दोस्तों जीवाणु का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मृत कोशिका या कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूं, जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक, जिन्हें जीवाणु का जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपको पता होगा दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, मानव शरीर में। वही दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, न्यूरॉन्स।
इसकी लंबाई देखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही दिमाग में सेट करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, जिसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों जो कोशिका होती है उसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया है, मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है जीवों को। कितने भागों में? तो ध्यान रखिएगा दो भागों में, आप जानते होंगे, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। आप जानते हैं एक कोशिकीय में कौन से जीव आते हैं? अमीबा, पैरामेशिया, ये भी एग्जाम में आया है। वही दोस्तों बहुकोशिकीय में देखेंगे तो मानव, बंदर, गाय, भैंस, ये सब दोस्तों बहुकोशिकीय में आते हैं। तो पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में? तो दो भागों में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में अमीबा पैरामेशिया आता है, बहुकोशिकीय में मानव बंदर आदि शब्द आते हैं। वही आप देखेंगे दोस्तों कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? आप जानते भी होंगे कोशिका का सिद्धांत दोस्तों 1838 से 1839 में स्वान एवं स्लाइडेड ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा दो लोगों ने मिलकर दिया था, स्वान और स्लाइडेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब दिया था? 1838 से 1839 के बीच में। तो ध्यान रहा दोस्तों विज्ञान का कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।